वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साथियां, धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले, पुस्तक पूरन सोई संत लड़ीवार, मां पुरखां दे दर्शन। बाबा जी कुली वाले होर भी अनेक महापुरखां दे दर्शन करन लई साइकल ते जांदे रहिंदे सन। होर भी सतपुरश प्यारे जिवें बाबा ज्वाला सिंह जी हरगोवाल वाले, बाबा हरनाम सिंह जी किले वाले, बाबा रघुवीर सिंह जी निर्मले, बाबा इच्छर सिंह जी राड़ा साहब, बाबा इच्छर सिंह जी कलेरां वाले, बाबा माझा सिंह जी होदी मरदान, बाबा मोहन सिंह जी अली बेग कानपुर, बाबा झंडा सिंह जी कार सेवा वाले आदित महापुरखां दे दर्शन करन लई भी जांदे हुंदे सन। बाबा जी होर मतां दे साधु महात्मा जिया दे दर्शन करन लई हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लेह लद्दाख, बनारस, लखनऊ, गया आदत भी साइकिल ते जांदे हुंदे सन। माता धनी जी भी बड़ी बंदगी वाली हस्ती सन। माता जी बल्लड़वार नज़दीक अजनाला विखे रहिंदे सन। बाबा जी कुली वाले साइकिल उत्ते विचरदे होए माता जी दे दर्शन करन लई बल्लड़वाल विखे भी आउंदे हुंदे सन। माता जी भी बाबा जी का बहुत सत्कार करदे सन। बाबा इच्छर सिंह जी कलेरां वाले भी माता जी दे दर्शन करन लई इस स्थान ते आउंदे हुंदे सन। बाबा इच्छर सिंह जी भी माता जी की कमाई नूं नमस्कार करदे सन। सतगुर पातशाह भी बचन करदे हन कि हाँ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार, उन्ना के मुख सद उजले, उन्ना नू सब जगत करे नमस्कार। लुधियाने विखे एक बार संत समागम सी। बाबा ईश्वर सिंह जी ते बाबा जी कुली वाले भी इस समागम विखे आए हुए सन। इस समागम विखे बाबा जी का बाबा ईश्वर सिंह जी के नाल भी मेल मिलाप होया। बड़ा सत्कार महापुरखां ने किया। उपरंत बाबा ईश्वर सिंह जी ने स्टेज ते बचन किए कि साध संगत जी अजनाले के नज़दीक बल्लड़वाल अस्थान है, उत्थे माता धनी जी रहिंदे हन ते बड़ी कमाई वाले हन। बाबा ईश्वर सिंह जी ने माता जी की वड़ियाई विच बहुत बचन किए। बाबा ईश्वर सिंह जी तो उपरंत बाबा जी कुली वालियां दा समा सी। बाबा जी ने बचन किया कि साध संगत जी हुणे हुणे महापुरख बाबा जी जिस माता जी प्रथाए बचन करके गए हन, सचखंड विच जदों संत साधुआं की सभा लगती है तो माता धनी जी सब तो पहले फुलकारी लैके पहुँचते हैं ते सब तो बाद विच उठ के जाते हैं। वचन भी है कि नानक भगत सोहै हर द्वार। ऐसे कमाई वाले माता जी हैं। इस तरह बाबा जी ने भी माता जी की कमाई नूं नमन किया। ऐसा प्यार बाबा जी का जुड़िया रूहां दे नाल सी। अपने समकाली तकरीबन हर एक कमाई वाले महापुरख के दर्शन बाबा जी ने किए सन। सिमरन दे रंग विच रंगे जाना। बाबा जी सतपुरशां दी सेवा करदे ते वाहिगुरु दी नरोल भगती विच जुड़े रहिंदे। दिन रात बाबा सुंदर सिंह जी बेदी कोलों बख्शिशां लै के गुरमंत्र ते मूल मंत्र दा जाप करदे सन। ते जे कोई गुरबाणी दा पाठ करन वाला गुरमुख प्यारा मिल जाना तां बाबा जी ने उस कोलों गुरबाणी सरवण करनी। कमाई तां पिछले कई जन्मां दी बाबा जी नाल लै के आए सन, पर जिवें धरती हेठ पानी का अथाह है, बेअंत है, पर उस पानी नूं बाहर लियाण लई पहले थोड़ा पानी बाहरों पाना पैंदा तां उह हेठला पानी बाहर निकलदा। इवें ही कमाई तां बाबा जी दी पहले ही बहुत सी, पर उस नूं प्रगट करन लई बाहरों पानी पाउण वाला काम बाबा सुंदर सिंह जी ने कृपा कर दिता सी। दिन रात गुरमंत्र की कमाई करके बाबा जी की बड़ी अवस्था बन गई सी। बहुत संगत भी बाबा जी दे कोल आउण लग पई सी ते बड़ा आनंद बनता सी, सतसंग सजदा सी। बाबा जी दिन वेले घर दे भी काम काम करते सन। काम कार करके शाम नूं इशनान करके श्री रहरा साहब जी का पाठ करते सन।
ते उपरंत भगती विच जुड़ जाते सन। सतगुरु पातशाह जी की बड़ी कृपा हुई ते बाबा जी मजीठ के पक्के रंग विच रंगे गए। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ रंग, गुर तुट हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ ना हो भी पंग। जिस अमोलिक वस्तु की तड़प विच बाबा जी ने बहुत कामना घाली सी, गुरमत दे रंग विच रंग के सतगुरु पातशाह जी ने वह अवस्था कृपा कर दिती। बाबा जी इस अवस्था नूं परम प्रकाश की अवस्था दसदे हुंदे सन। ये बड़ी रहमत सतगुरु पातशाह जी ने कीती सी। गुरमत दे रंग विच रंग के बाबा जी संगत नूं वी गुरमत नाल जोड़न लग पए। पर हुण समा आ गया सी जदों बाबा जी ने दरगाही ड्यूटी नूं नेपड़े चाढ़ना सी। इसे दरगाही ड्यूटी प्रथाए ही बाबा जी संसार ते आए सन। जिवें अध्यापक पहलो आप विद्या पढ़ता है ते जदों वह पास हो जाता है तो उसकी ड्यूटी दूजियां नूं पढ़ाउण दी लग जाती है, इवें ही बाबा जी की भी परमेश्वर वालों ड्यूटी लग गई सी। बाबा जी कामकार करते हुए भी सिमरन की लड़ी में परोए रहते सन, पर बाबा जी की ड्यूटी ये लगी सी कि जो कमाया है उस रस्ते तड़फ की लुकाई में भी तोरो। इस काम को नेपरे चाढ़ने लिए बाबा जी को हुण संसार में विचरना पैना सी ते घर को एक पासे रखना पैना सी। इसलिए दसते हैं कि बाबा जी के वड्डे भरा सेठ सूरता सिंह जी की पत्नी नूं एक रात सुपना आया। सुपने में गुरु अमरदास पातशाह जी ने दर्शन दिते ते वचन किया, तुसी दर्शन सिंह नूं अपने घर के कम्मां विच लाया होया है, जिहड़ा कम असी इस तों कराउणा है ओह कौण करेगा। बाबा जी की भरजाई की अख खुल गई। जब अख खुली तां ओह इस नूं सुपना समझ के फिर सौ गई। दोबारा सुती तां गुरु अमरदास पिता जी ने भरजाई जी नूं उठाल के खड़ा किया ते प्रत्यक्ष दर्शन दिते। गुरु साहब जी ने फिर उही वचन किया कि तुही दर्शन सिंह नूं अपने कम्मां विच लाया होया है ते जिहड़े कारज करन दी इसकी ड्यूटी लगी है ओह कौण करेगा। भरजाई जी ने सीस नवा के सत वचन किया। सीस उपर करके देखिया तां फिर उत्थे कोई भी नजरी नहीं पिया। दिन चढ़ते ही भरजाई जी ने सेठ जी नूं सारी गल दसी। दोनों ने सलाह करके बाबा जी नूं बुलाया। भरजाई जी ने बाबा जी नूं सारी गल दसी ते कहा कि साडे वालों तुसीं अज ही घर दे सारे कम्मां तों फारग हो। सानूं नहीं पता कि गुरु महाराज ने तुहानूं किहड़ा काम करवाउणा है, पर अज तों तुसीं साडा कोई काम नहीं करना। बाबा जी ने भरजाई जी ते सेठ जी नूं सत वचन कहा ते पातशाह जी दे हुक्म अगे सीस झुकाया। कि उह वचन भी है कि जित करै कब हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए, जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लेवलाई। बाबा जी फिर भरजाई नूं कहंदे कि माता जी जे घर छड दईए ते फिर किसे ढंग रोटी मिलदी ते किसे नहीं, कदे मंग के भी खानी पै सकदी, फिर बुरा ना मन्नियो। फिर कहंदे कि माता जी घर छड दईए ते फिर कोई कुल्ली भी बण जांदी हुंदी है, संगत भी आउण लग पैंदी है, तुसीं मार ना करियो ते हक ना जतायो कि साडा है, सबर संतोख विच रहियो। सेठ सूरता सिंह जी कहंदे कि भगत जी असीं संगत विच ते आ सकदे हां। बाबा जी कहंदे कि सेठ जी संगत च आओ ते न्यायी सेवा करो, पर कोई हक ना जतायो। सेठ जी होरां नूं इह उपदेश दे के बाबा जी फिर चक्करवर्ती विचरण लग पए। जो वचन भी है अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ के आल दुनिया के धंधे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, ए दरवेश कबूल दरा। बाबा जी दे जीवन दे दो ही प्रमुख मंतव रह गए सन। एक ते सतगुर पातशाह जी ने जो कारज करवाना सी उस नूं समर्पित होना, ते दूजे वध तों वध समां सतपुरश महात्मा दी संगत विच बतीत करना।
बाबा जी परम अवस्था की प्राप्ति वाले सतपुरश सन, पर बाबा जी फिर भी सतपुरशा की संगत को बहुत महानता देंदे सन, क्योंकि बाबा जी बहुत निम्रता गरीबी वाले सतपुरश सन। वो अपने आप को सब को नीवा जानते सन, तो आखते होंगे सन कि असी तो अजे सतपुरशा के चरणों की धूड़ भी नहीं बन सके, ये सतपुरश ही साढ़े तुरदे साथी ने, साडा बेड़ा वार वार डोला खाता पर सतपुरश सानू ढिलन तो बचा लेंदे ने, ते वार वार सानू गुरबाणी शब्द की कमाई करन लई दृढ़ करदे ने। सतपुरशा की संगत विचों निम्रता मिलती है, गरीबी मिलती है, विवेक मिलता है, ते ये वो गहने हैं जिन्हां नाल गुरबाणी की सोझी आती है। इन्हां कारजां परताए ही बाबा जी ने चक्रवर्ती विचरना आरंभ कर दिता। बाबा जी भी वचन करिया करते सन कि असी दो समुद्रां दे विचकार सारे भारत की यात्रा साइकल ते कीती सी, सहजे सहजे तुरे रहना ते सिमरन विच जुड़े रहना, साइकल चलाउंदे भी सज्जा पैडल मारना ते वाह खब्बा मारना ते गुरु जपना, जो वचन भी है जिसनो कीतो करम आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया, सोवे राते सास सास प्यारे राम नाम लेवलाया। बाबा जी कई अजिहे अस्थाना ते भी गए जिथु दे लोग कई भरमां विच पए होए सन। बाबा जी ने जोगियां द्वारा उन्हां नूं सच दा मार्ग दसिया, जो बचन भी है गे ओह हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाए। हरिद्वार विखे महंत जी नाल मिलाप। एक बार बाबा जी साइकल उत्ते हरिद्वार विखे गए, साइकल पिछे ही एक पासे खड़ा कर दिता ते पैदल अगे चल पे। अगे कुछ साधु बैठ के प्रशादा छक रहे सन। बाबा जी भी उन्हां साधुआं दे कोल प्रशादा छकण लई बैठ गए ते हाथ उत्ते ही एक फुलका लै लिया। दाल वाले साध नूं फुलके उत्ते दाल पाउण लई बेनती कीती, पर उस वर्तावे साध ने फुलके उत्ते दाल पाउण तों मना कर दिता। ओह साध बाबा जी नूं कहिंदा कि भाई दाल लई अपना बर्तन लै के आओ, फुलके ते दाल नहीं मिलनी। बाबा जी उस साध नूं कहिंदे कि भाई साढ़े कोल इत्थे कोई बर्तन नहीं है, आप जी फुलके उत्ते ही दाल पा दिओ। पर साध कहिंदा कि बाबा दाल लैनी तां जित्थों मर्जी कोई बर्तन लै के आ, फुलके ते दाल नहीं मिलनी। बाबा जी नूं कोई भी बर्तन नहीं मिलिया। बाबा जी ने अपना जोड़ा उतारिया ते अड्डी नूं इशनान करा के साफ किया। उस बर्तावे साध नूं कहिंदे कि भाई मेरे कोल ते यही एक बर्तन है, इस विच ही दाल पा दिओ। उह साध हुण दाल पाउण तों झिझके। बाबा जी फिर कहिंदे कि इस विच ही दाल पा दिओ। उसने झिझकते हुए दाल पा दित्ती। बाबा जी ने उत्थे बैठ के प्रशादा छकिया। बाबा जी नूं जोड़े विच प्रशादा छकते हुए महंत जी ने देख लिया। वह बाबा जी की निम्रता से सादा जीवन देख के बड़ा प्रभावित होया। इन्नी गरीबी, किनका मातर भी मैं नहीं जनौनी, कोई होंद रखनी ही ना, ऐसा जीवन देख के उस साधु धन धन कर उठिया। गुरु अंगद के पिता जी ने भाई तिंगा जी ने भी वचन किया कि भाई तिंगा गुरसिख मुरदे वांग हो जाए, तिल मातर भी जनावे ना, कोई होंद रखे ही ना, कोई वजूद रखे ही ना। वचन किया गुरु गुर मैं जाए समाए, होए मुरीद मुरदा जिस पाए। भाई गुरदास जी भी वचन करते हैं हो मैं रोग मिटाएगा, सतगुर पूरा करत बीबी, पैरी पैर रास कर गुरसिख सुन गुरसिख मनी पी, मुरदा हुए मुरीद गरीबी। वो साधु उच्ची जगह ते आसन उत्ते बैठा होया सी, अखाड़े का महंत सी। उसने बाबा जी नूं अपने कोल आसन उत्ते बुलाया। बाबा जी उसके कोल जाण लई पौड़ियां चढ़न लगे, ते जे दो कु पौड़ियां ही चढ़े सी तां उस महंत ने उच्ची जिहे सारे साधुआं नूं आवाज़ दित्ती कि भाई
जिसने रब के दर्शन करने ने कर लवो रब अज प्रताप साढ़े विच है। ये बाबा जी महापुरख पूर्ण महापुरख रब का रूप हन। बचन भी है साध की सोभा साध बण आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। वह महंत बाबा जी नूं कहिंदा कि बाबा जी तुसी जोड़े विच प्रशादा क्यों छकिया, तुसी मेरे कमंडल विच दाल पुआ लेंदे। महंत जी ने फिर उस वर्तावे साधु नूं भी वरजिया कि तैनू महापुरखां नाल अठी नहीं करनी चाहीदी सी, तू इन्हां नूं प्रशादे उत्ते ही दाल पा देनी सी, तू पहचान ही नहीं सकिया कि किड्डे वड्डे महापुरख हन। बाबा जी महंत जी नूं कहण लगे कि नहीं संत जी, अज ते बड़ा आनंद बणिया, ये भी रब की ही रजा सी, आप जी के दर्शन होने सन ते ये व्योंत बननी सी। बाबा जी ने फिर महंत जी नूं बेनती की कि संत जी अमृतसर साहब लागे पिंड घरूपुर काले साडे गरीबां दी झुकी है, आप जी कृपा करियो साडे गरीबां दी झुकी विच भी चरण जरूर पायो। बाबा जी की इन्नी निम्रता देख के महंत जी बहुत प्रभावित होए, उन्हां दा बाबा जी दे नाल बड़ा प्रेम बन गया। महंत जी फिर अपने साथियों के नाल कई वेर बाबा जी के कोल पिंड काले विखे आए। गुरद्वारा संगतसर साहब घरूपुर काले के स्थान उत्ते भी वह साधु बाद विच भी आउंदे रहे सन। झिड़ी विखे साधुआं दी परख चक्रवर्ती विचरते ही बाबा जी एक बार साइकिल से झिड़ी विखे गए। उत्ते पूर्णमासी के दिहाड़े से काफ़ी साधु संत आउंदे सन। उस समय जम्मू का एक लीडर सी जिसका भरा 1947 की वंड में पाकिस्तानी रह गया सी। उसनों पाकिस्तान तो एक चिट्ठी भी आई हुई सी कि तुहाडा भरा इत्थे पाकिस्तान में है। वह लीडर झिड़ी के स्थान पर आया होया सी ते वह चिट्ठी उसकी जेब में सी। उसके मन में साधु संतान की परख कर विचार आई कि यह जो इन्ने साधु इस स्थान पर आते हैं इन्हों विचों कोई असली भी है कि नहीं। वो वारों वारी सारे साधुओं के कोल गया तो उसने उन्होंने कहा कि मेरा भरा बहुत समय तो लभदा नहीं पिया, पता नहीं कितने चला गया, आप जी मैं दसो कि मेरा भरा कितने है। कोई साधु कुछ दसे तो कोई कुछ, पर असलियत उसनों कोई भी ना दस सकिया। बचन भी है जे साथ रखिया दी जैर लाए जा पर किया कोटा हो जाए। फिर वो लीडर बाबा जी दे कोल आया ते बाबा जी नूं अपने भरा बारे पुछण लगा। बाबा जी अपने नाल दे दो साथियों नूं कहिंदे कि इसनों फड़ के इहदियां जेबां देखो, इसकी जेब विच इसके भरा का पता लिखिया है ते इह साधु संतां दी परख करदा फिरदा है। उसदियां जेबां देखियां तां चिट्ठी निकली जिस ते उसके भरा का पाकिस्तान का पता लिखा होया सी। ऐसे सतपुरशां परथाए ही पातशाह वचन करदे हन कि परख खजाने पाए से बोड़ ना खोटिया। बाबा जी दे कोलों असलियत जान के वो लीडर बाबा जी दी चरनी चह पिया ते उसने बाबा जी तो मुआफ़ी मंगी। बाबा जी ने उसनों किसी की परख छड के अपने अंदर की परख करन दा उपदेश दिता। गुरबाणी की कसवटी उत्ते मन परखन का वचन किया नानक परखे आप को ता परख जान। उसने बाबा जी का बड़ा सत्कार किया, उसने उत्ते लंगर भी लगाया ते श्रद्धालु संतां की बड़ी सेवा की। नूरमहल विखे देव का डर दूर करना, इसे तरह ही बाबा जी ने कितों सुनिया कि नूरमहल के लोग बहुत डरते हैं कि उत्थे मड़िया विच देव रहिंदा है। विचार बनी कि चलो चल के देखते हैं कि किहड़ा देव रहिंदा है। बाबा जी साइकिल उत्ते नूरमहल आए तो उत्थे मड़िया विच टिकाणा कर लिया जिथे कहिंदे सी कि देव रहिंदा है। बाबा जी कुछ दिन उन्हां मड़िया विच ही रह के भजन बंदगी करते रहे, पर बाबा जी नूं उत्थे कोई देव नहीं मिलिया। बचन भी है हर सिमरत किछ जागना जो है हर सिमरत दैत देओ ना पुहै। लोकां नूं ते सी के देव ने बाबा जी नूं नहीं छड्या होना, पर बाबा जी कुछ दिनों बाद सही सलामत बाहर आ गए।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਭੂਤ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ, ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨ ਆਏ, ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਤ ਦਾਨ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਾਨ ਪੇਕੀਐ, ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੁਧਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖੀਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਸਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਈ? ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਵਚਲ ਭਗਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਪਏ ਹਰ ਰੰਗ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਜ ਸੀ ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਰਸ ਆਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਭੇਕ ਭੇਕ ਮਨ ਮਹਿ ਹੈਰਾਨੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਸ ਕਸ ਵੱਟੀ ਲਾਇਐ, ਪਰਖੇ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕੋਟੇ ਠੌਰ ਨ ਪਾਇਨੀ, ਹਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ। ਆਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਉਂ ਮਲ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਹੰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤੀ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ
असी तुहानू महंती देनी है। बाबा जी उन्हां साधुआं नूं कहिंदे, भाई महंती ते कई तरह दी हुंदी है, तुसी सानू केड़ी महंती देनी है। वो कहिंदे कि महंती ते इक हुंदी है, असी तुहानू अपने आश्रम का महंत बनाउणा है। बाबा जी कहिंदे, भाई महंती एक नहीं, महंती तां चार तरह दी हुंदी है, उल महंती, टुल महंती, गुल महंती, फुल महंती। तुसी सानू दसो सानू केड़ी महंती देनी है। साधु कहते कि बाबा जी सानू तो इन्हों का मतलब भी नहीं पता, सानू विस्तार नाल दसो। बाबा जी कहते कि भाई उल महंती होंगी है कि नाम का ही महंत बना के रखना, अपना काम चलाने लिए महंत बना देना, पर उसका कहना कोई ना मरना। जन पग तन को कहो न मानो कियो अपनो पई है। टुल महंती होंगी है कि हर गल ते टुल लाई जाने, जिमें लैन कोई होर वस्तु गया हो पर लै कोई होर आनी, काम ते करना पर काम सही ना करना, कहना ते मनना पर मर्जी अपनी वर्तनी। जो वचन भी है ओ भाने चलने आपने, नित झूठो झूठ बोले न। गुल महंती होंगी है कि हर काम गुल कर छड़ना, जिमें वस्तु लैन ते चले जाना पर वापस आके कह देना कि मैं भुल गया सी तो लैके नहीं आया। हुक्म मन के काम करन ते चले जाना पर बहाना मार देना ते काम करके ना आना, काम गुल कर छड़ना। फुल महंती होंगी है कि फुल महंत होना, महंत ने जो हुक्म करना सारिया ने उस हुक्म ते पहरा देना। मन हुक्म तजा अभिमान, जे तुसी सानू फुल महंती देन की गल करते हो तो दो गल्लां साडियां पहले सुन लवो। एक तो जिहड़ी सराह बनी हुई है उहदे सारे दरवाजे पक्के तौर ते आउण जाण वाले जातुआं वास्ते खोल देंगे ते किसे कमरे नूं कोई ताला नहीं लाया जाएगा। दूसरे लंगर हर वेले खुला वरत्या करेगा। असी इन्हां दो शर्तां ते महंती लवांगे। उह साधू बाबा जी नूं कहिंदे कि बाबा जी इन्ने सालां दी कोशिश तों बाद ते हुण सानूं कमरे मिले हन, तुसीं होर वी साडे कोल खोणे हन, असी नहीं यह शर्तां मन सकते। बाबा जी कहते चंगा फिर जे तुहानू साडियां शर्तां नहीं मंजूर ते सानू तुहाडी मंती नहीं मंजूर, जिहनूं तुसीं महंत बनाउणा है बना लवो, असी नहीं मंती लैणी। बाबा जी संगत विच वी बचन करदे हुंदे सन कि योगी सन्यासी बाहरों तां विरक्त भेक धार लैंदे हन पर अंदरों माया नाल ही जुड़े हुंदे हन, अजिही मंती तां पिछले जन्म का पाप ही हुंदा है। बाबा जी सुतरा शाह जी का शब्द भी पढ़ते होंगे सन, लई महंती सुधरिया पिछले जन्म का पाप। बाबा जी एक होर कवि दियां सतरां भी पढ़ते होंगे सन, महंत महाजन चौधरी कोतवाल सरदार, पंजे मुक्त न पाउणगे साईं दे दरबार। गुरु अमरदास जी भी बख्शिश करते हैं कि पंडित जोगी बाहरी ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं पर उन्हें अंदर संतोख नहीं होता, उन्होंने मन अंदर संशय ही रहते हैं। पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही, ना तन पल पाए पढ़ थके संतोख ना आयो, अन दिन जलत वहाए कूक पुकार ना चुकई, ना संसार विच हो जाए नानक नाम वे हुणिया मोह काल उठ जाए। पर जो गुरु शब्द नाल जुड़े हन, हर वेले नाम जपते हन, उन्हां दे घर सदा बरकत रहिंदी है ते सारा संसार उन्हां दी कमाई खांदा है। पंडित तन की बरकती सब जगत खाए, जो रत्ते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहिया, हर स्यों रहे समाए। इसलिए बाबा जी ने भी यह तृष्णा की महंती लैन तो मना कर दिता ते सदा संतोख विच ही विचरदे रहे। बड़ी निर्लेप हस्ती सन,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।